जी स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स आज हम सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेट तो सेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स तो कुछ बुक्स के अंदर सेट को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है अ सेट इज़ अ कोलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पर सेट की डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है वेल well डिफाइंड इसका मतलब ये है कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए जैसे देखते हुए हम ये बता सकें कि कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक सेट का हिस्सा होगा या नहीं होगा यहाँ पे आप इसकी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसे हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ आपके माइंड में रहे कि हम सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे एन इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सोन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं इसमें हमारे पास वन टू थ्री अप टू सोन ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं इसे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरह देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं वी फ्रीकवेंटली यूज़ फॉलोइंग मैथड्स टू डिस्क्राइब सेट्स इसमें हमारा जो फर्स्ट मैथड है वो है टेबुलेशन मैथड सेकेंड मैथड है डिस्क्रिप्टिव मैथड और थर्ड मैथड है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैथड तो स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट मैथड है ट्रेबुलेशन मैथड ये ऐसा मैथड होता है जिसमें हम एक सेट को उसके पार्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा गया है जो यहाँ पे हमने ब्रेसेस के अंदर इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है वन टू थ्री अप टू सो वन ये हमने इसे ट्रेबुलेशन मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है इसी तरह हम डिफरेंट सेट्स को टेबुलेशन मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन हमारे पास कई इस तरह के एलिमेंट्स इस तरह के सेट्स मौजूद हैं जिनके एलिमेंट्स को हम पर्टिकुलरली ब्रेसिस के अंदर नहीं लिख सकते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इन्फानट की मैनी स्टार्स का सेट है तो मैं उस सेट को टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो इसलिए हमें टेबुलर टेबुलेशन मेथड से हट के भी कुछ मेथड्स चाहिए होंगे जिनके थ्रू हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकें तो हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड इस मेथड के अंदर हम एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट को इक्वल टू सम स्टेटमेंट ले देते हैं वो स्टेटमेंट डिफाइन करती है कि ये कौन सा सेट है जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो हम स्टेटमेंट के थ्रू भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरह हम कह सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड है वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेथड ये हमारे पास जो थर्ड मेथड है इसे आप सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं इस मेथड के अंदर हमारे पास पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि हम ब्रेसिस के अंदर एक डमी वेरिएबल एक्स यूज़ करते हैं और उसके बाद हम स्लैश यूज़ करते हैं फिर हमारे पास ये जो स्पेस होती है इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं इसका दूसरा तरीका लिखने का ये है कि ब्रेसिस के अंदर हम डमी वेरिएबल एक्स के बाद फुल कॉलम लिखें और फिर आगे जो स्पेस है इसके अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को लिखें तो इस तरीके से भी हम डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है उसे हम लिखते हैं केव इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू पी बाय केव वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ये मैंने जो यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है ये मैंने इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट किया है इसमें हमारे पास एक्स डमी वेरिएबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स एक्स हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हैं जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो इस तरह से आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैथड या सेट सेट बिल्डर नोटेशन के थ्रू डिफरेंट सेट्स को रिप्रजेंट कर सकते हैं तो ये हमारे पास पॉपुलर थ्री मैथड्स हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट सेट्स को रिप्रजेंट करते हैं